You all on BYJUS exam preparation. So guys, in today we will discuss the 2016 2020 pre basic questions of only marketing management. अभी ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हर एक यूनिट वाइज, ठीक है जी। सो बस आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो आप दिवाली, आई होप कि आप दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। बस अब दिवाली निकल गई है, अब यू हैव जस्ट ओनली 15 डेज लेफ्ट। दिस 15 डेज में आपने क्या करना है, अपना 100% अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। जितना भी आपका हो गया है उसको जस्ट आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, एंड साथ साथ डेली बेस पे सोच लीजिए कि एक हमने प्रीवियस क्वेश्चन को पेपर को जरूर करना है। ओके जी। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट है आपके लिए। जो भी 10 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट के एमसीक्यूज आपके लिए लाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर किसी यूनिट में कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए डेफिनेटली लाया जा रहा है। ओके। जल्दी से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थम्स अप भी कर दीजिएगा सो दैट कि हम इस सेशन को स्टार्ट कर दें। मार्केटिंग बहुत बार आपने रिवाइज कर लिया है, हमने लास्ट कुछ सेशंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है उसको डिस्कस करे हैं। आपने भी अपनी एंड से प्रीवियस क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर ही लिया होगा इस टाइम पे। तो बस उसी बेस पे अब आप इसको अपने आप को एनालाइज करिए कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो जो क्वेश्चन गलत थे क्या अभी भी वो गलत हो रहे हैं। ओके। अगर आपको लगता है कि वो अभी भी गलत हो रहे, इट मीन्स आपको थोड़ा सा और अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। ओके। तो नाउ यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आफ्टर दैट हिंदी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जिसके अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको साथ में एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट करना है। ओके। ग्रेट। तो ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा अपनी एक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा रहे हैं, या तो आपको थोड़ी टेंशन शुरू हो गई है कि कब से वेट कर रहे थे कि चल दिवाली के बाद पढ़ेंगे अच्छे से। दिवाली के बाद अब फाइनली दिवाली भी निकल गई है, अब आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको प्रॉपर वे में रिवाइज करिए, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट आप सबका जो कहना है इस चीज़ के लिए वो आ रहा है डी ऑप्शन। क्या आप सब श्योर है कि आपका आंसर यहाँ पे डी है? देखो, हर एक क्वेश्चन में आज का एजेंडा क्या है कि हर एक क्वेश्चन में अपने कटिंग कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को करने हैं। जितने भी आज हम करने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो, अजर्शन रीजन बेस्ड है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, गुड। तो ठीक है जी, नाउ द टाइम फॉर हिंदी स्टूडेंट। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का भी डी है, कुछ का कहना है सी। इंदुमती, क्या आप श्योर है कि आपका आंसर सी है? एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ सभी का जो क्वेश्चन है, जब आपने कटिंग कंसेप्ट लगाया है और 100% श्योर आपके लिए क्या आ रहा है, आंसर डी आ रहा है, तो देख लेते हैं जी। बिल्कुल सी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप सबने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करा है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के कटिंग कंसेप्ट अपन लगाते अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, कि वो जो दो प्रोडक्ट्स है जो आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, है ना, वो आपने यहाँ पे चूज करना था। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, अगर ये नहीं तो आप इस चीज को ले लेंगे। ओके। डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो बस ये रहा डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स, अवेलेबल सब ओला टैक्सी एंड मेट्रो रेल,
अनरिलेटेड प्रोडक्ट में आ गया बिहेवियर या अम्यूजमेंट पार्क। ओके जी, सो इसी के बेस पे योर करेक्ट आंसर इज अ डी ऑप्शन। वेरी गुड। तो चलिए जी, इसी के साथ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये बेसिकली अब से जो मेरे सेशन आएंगे वो रहेंगे ओवरव्यू वाले। इस वीक हमारे जो सेशंस आ रहे हैं पूरे ओवरव्यू वाले सेशंस आएंगे, ताकि आपका लीगल ओवरव्यू हो जाए। लीगल का पूरा ओवरव्यू हम कर लेंगे, बिजनेस फाइनेंस का कर लेंगे, यू नो इंडस्ट्री इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा ओवरव्यू हो जाएगा। तो वी विल ट्राई कि जो जो भी आपको मुश्किल यूनिट्स लगते हैं उन सब का एक बार ओवरव्यू ज़रूर हो जाए। ओके, तो देखिए इस टाइम पे क्या आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी मैम व्हाई वी चूज अ सी ऑप्शन, हमें सब आता है। आप मुझे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिएगा, आपको खुद की ही वो कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो आप मन में सोचिए कि यस किसका मतलब ये था, तो मैंने इसका आंसर सी करा है। ओके, चलिए सेकेंड के लिए सभी का जो आंसर आ रहा है वो बी। देखो सिंक्रो का मतलब हमेशा आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा ना, सेम टाइम। सिंक्रो हमेशा कहता है कि सेम टाइम, जिस टाइम पे जो चीज हैपन्ड हो रही है आप उसी टाइम उसको वो चीज देख सकते हैं। तो इसी का जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली क्या है जी, बी है। एक स्टूडेंट ने सी बोला है, वैसे सी नहीं है यहाँ पे। मतलब ये नहीं कि फ्लेक्सिबल पूछा गया तो फ्लेक्सी मार्केटिंग है, नो। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में देके रखना था कि मार्केटिंग टास्क विच फाइंड्स वे टू ऑल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ द डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव, वो सिंक्रो है। जिस टाइम पे जो भी चीज होती है उसी दौरान डिमांड का पैटर्न हो जाता है। ओके, चलिए जी, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना था नॉट अ रीजन फॉर अ फर्म टू लूज इट्स मार्केट शेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। यस यस, वेरी गुड अदिति। ओके रूपी, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, कौन से इसमें से रीजन नहीं है for a firm to lose its market share to competitors? Okay, तो third के लिए आप सबके जो answer आ रहे हैं वो आ रहा है जी A option, ठीक है। Now there's a time for Hindi student, अब Hindi वालों को भी time दिया जा रहा है इस question के लिए। ओके, तो थर्ड के लिए आप सभी का जो आंसर आ रहा है, हिंदी वालों भी कह रहे हैं कि ए ही ऑप्शन है। तो मतलब आप सब ने प्रीवियस क्वेश्चन को मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक बार कर लिया है, खास करके मार्केटिंग को, है ना। चलिए जी, तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है डेफिनेटली वो क्या है जी, ए ऑप्शन है। देखिए वायर इज अ ए नॉट अ रीजन पूछा गया है। A product will perceive by the target customer group as satisfying needs. फिर तो हमारा ये कहते एक ऐसा कौन सा रीजन है नहीं है जहां पे फर्म अपनी मार्केट शेयर को कॉम्पिटिटर लूज कर रही है। तो ऑब्वियसली ए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट ने बोला है सी, द कस्टमर्स may have not been lost the due to the poor service by the firm. No, सबसे valid part हमारे लिए क्या है जी, वो A option हमें ज्यादा valid लग रहा है as compared to the C। कहते यहाँ पे कुछ हमारे लिए reasons हैं जहाँ पे एक firm अपने market share को lose कर देती है। कहते अगर वो company sales को proper cover नहीं कर रही है, poor services है,
ठीक है, नॉट गिविंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, कस्टमर डू गेट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज, तब हम लूज कर सकते हैं. बट क्वेश्चन में क्या था, नॉट अ रीजन पूछा गया था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ए ऑप्शन था. ओके जी, चलिए नाउ देखिए जी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि यहां पर कि ऐसे कौन सा रीजन नहीं है जहां पे एक फर्म अपने मार्केट शेयर को लूज कर रही है, वो आपको बताना था. ये जो रीजंस हैं बी सी डी, ये तो डेफिनेटली रीजन है जिसमें एक मार्केट अपने कंपनी अपने शेयर को लूज कर रही है. बट अगर वो ए है कि एक परसीव करेक्ट टारगेट कस्टमर को आप जब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या आप मार्केट शेयर को लूज कर रहे हैं? नो, आप तो टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना. दैट इज वाई कि यहाँ पे नॉट पूछा गया था. अगर रीजन पूछा होता तो डेफिनेटली बी सी डी तीनों आपके क्या बन जाते, आंसर बन जाते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी एंड डाइवर्स्ट स्ट्रेटजी. हाँ जी, इन द एंड में अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे और इतने आपके आंसर्स करेक्ट गए हैं. यूज कटिंग कंसेप्ट. ओके, ठीक है जी. तो इंग्लिश वालों ने मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है. कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज्ड लग रहे हैं. ओके, नॉट वारंटिंग अ सब्सटेंशियल न्यू रिसोर्सेज, है ना. यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ या सेम लग रहे हैं ना. ओके, कोई बात नहीं. आप इन बेसिस पे देख के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट. चलिए, हिंदी वालों को टाइम दिया जाता है फॉर इस क्वेश्चन के लिए. ओके, तो जल्दी से इंग्लिश वाले आंसर, हिंदी वाले भी आंसर कर दीजिए. ओके, तो यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो आंसर करा है वो करा है ए, एंड हिंदी वाले भी कह रहे हैं ए ऑप्शन. ठीक है, चलिए देख लेते हैं जी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहां पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है जी ए. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजीज हम बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि एक इन्वेस्ट स्ट्रेटजी है, एक प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी है, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी है, डाइवर्स स्ट्रेटजी है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज पहली बात तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो ये जो इन्वेस्ट स्ट्रेटजीज हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक मॉडल है. उस मॉडल के बेस पे हम इन चीजों को बात करते हैं. क्या कोई बता सकता है कि इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, ये जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं, इस मॉडल को हम क्या कहते हैं जहां पे ये सारे फोर वेरिएबल्स के बारे में हमें पूछा गया है? ओके, तो देखिए ये जो हमारा ये मॉडल है, एक तो पहली बात है कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार इस मॉडल के रिलेटेड वो चीज डेफिनेटली पूछ सकते हैं. ओके, तो यहां पर ये जो मॉडल हमें कह रहा है, एक हायरार्की फोर मैट्रिक्स इस मॉडल को हम बोलते हैं. ये जो फोर हायरार्की, ये वाला जो मॉडल है, हार्वेस्ट, ओके, एक इन्वेस्ट, एक आपका मेंटेन या प्रोजेक्ट, इन सब चीजों के बारे में बात करता है. तो जब हम ये जो मॉडल हमें एक ओवरऑल
प्रेजेंट करता है ये जो स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्ट आपको किस पॉइंट पे जाके करना है। कहते हैं वी विल फाइनेंस द मार्केटिंग एफर्ट जब आप कैश काउज हैं। क्या आपने ये स्टार्स कैश काउ वाला मॉडल पढ़ा हुआ है? हाँ जी, डॉग्स होते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क होता है। आपने अगर इस मॉडल को पढ़ा है, ये जो इसी मॉडल को रिलेट करते हुए एक अनदर ऑथर ने इस मॉडल को बना दिया था, ये जो मॉडल है बेसिकली एमजे किन्जे ने इस चीज को दिया था। ओके, एंड उनका ये पॉइंट था कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के बारे में है, एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, ये उन्होंने फोर वेरिएबल्स आपको यहाँ पे दिए थे। कहते जितना कॉम्पिटिशन ज्यादा उतना इंडस्ट्री आप अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी, सेम हार्वेस्ट स्ट्रेटजी एंड डाइवर्स स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो आपने रिलेट करनी है, दैट इज रिलेटेड टू योर जो आपका कैश काउ, स्टार्स, बीसीजी जिसको आप बोलते हैं, बीसीजी मॉडल के रिलेटेड ये चीजें दी गई हैं। ओके जी, क्लियर हो गया अच्छे बात। ये जो मॉडल है हमें क्या कहते हैं कि इन्वेस्ट वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। ओके, प्रोटेक्ट कि आपको न्यू रिसोर्सेज को रिसीव नहीं रिक्वायर्ड, हैवी रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको अपने ग्रोथ के लिए। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको उसको मेंटेन करने के लिए कुछ और फंड चाहिए ताकि आप उसको मेंटेन कर सके जो आपकी पोजीशन है। डाइवर्स्ट का मतलब क्या है कि आपको नए रिसोर्सेज रिसीव नहीं हो रहे हैं, आप एक सफर कर रहे हैं, आपकी सेल्स बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रही है। ओके जी, क्लियर हो गया जवाब। चलिए, चलिए नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। या प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोटोटाइप। यस, ग्रेट। एन इलेबोरेटेड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स इज कॉल्ड। ओके, तो यहां पर आप सबका कहना है सी ऑप्शन, प्रोडक्ट कंसेप्ट। ओके, यहां पे सार्थक आपको उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किस विचार के विविधता रूप को कहा जाता है? तो सभी का यहां पे कहना है सी ऑप्शन। ओके, तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर भी क्या है जी, हमारा सी है कि एक प्रोडक्ट इमेज क्या होती है, बेसिकली एक ब्रांड इमेज की तरह ही है कि जो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट से जो इमेज परसीव करते हैं, जो आपकी एक मेंटल इमेज होती है बेसिकली, है ना। प्रोडक्ट आइडिया एक वो जो एक आपको पॉसिबल एक कंपनी आपको एक प्रोडक्ट माइट बी ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या हो गया, एक एलेबोरेटेड वर्जन है कि एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं एक मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स में, जिस जो कंज्यूमर को जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए आप उसी तरह का प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके आ रहे हैं। प्रोटोटाइप अ सैम्पल एंड अर्ली वर्जन, जब आपका कहते हैं कि प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आया हुआ है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो जब आप एक टेस्टिंग बेस पे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, मतलब जो एक सैम्पल है, एक अर्ली वर्जन है जब आप एक नए प्रोडक्ट का, तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रोटोटाइप बन जाता है। ओके, चलिए नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। ओके,
तो सिक्स्थ के लिए जो आंसर आ रहा है दैट इज अ बी ऑप्शन. ओके नाउ द टाइम फॉर हिंदी. ओके तो हिंदी वालों का भी कहना है 100% बी आंसर, राइट? ओके तो यहां पर भी मुझे लगता है कि आप सब यहाँ पे कटिंग कंसेप्ट मेथड को ही यूज कर रहे हैं, राइट? ओके तो देखिए जी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है जी डेफिनेटली बी आंसर. कोई बहुत अच्छी बात है कि यू गिविंग अ वेरी करेक्ट आंसर. ठीक है जी, मुझे लगता है ना आपका जो ये जो आपका दिवाली इवेंट रहा है, आप एक दिन की ब्रेक लेके आज थोड़ा सा आप चार्ज लग रहे हैं, बहुत आंसर आपके करेक्ट जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है. बस यही लेवल आपने रखना है. ओके सो ये जो आपके 15 डेज चल रहे हैं ना, इस दिनों में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ. अपना बस ये रखो कि हमने उठना है, पढ़ना है, उठना है, पढ़ना है. आपकी लाइफ में ना अभी 15-20 दिन, जब तक पेपर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए. अगर आप जबरदस्ती वो बुक लेके ऐसे बैठे हुए हैं कि हाँ जी हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करनी. उस 12 घंटे में शाम को पूछ यूनिट, तो अब कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए मैंने कर देना है. ओके जी, क्लियर जी? मैंने डेफिनेटली आपके साथ कुछ 15 डे स्ट्रेटेजीज भी शेयर करी हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. चलिए नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉजिस्टिक प्लानिंग के ऊपर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए. आई थिंक सो नाउ इट इज विजिबल. ओके नाउ इट इज विजिबल. ठीक है जी, तो बच्चे मैं सिर्फ आपको यही कह रही थी कि इस टाइम पे अब आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना है. ये जो हमारे 15 डेज हैं, इन 15 दिनों में सब भूल जाओ. आपके सिर्फ दो चीजें आपकी लाइफ में हो कि पढ़ना है एंड थोड़ा सा आपने सोना है. इस टाइम पे आपकी जो नींद है, आपने जो सोना है, बस इतना सो लीजिए कि आपका जो मेंटल जो चीज है वो कम हो जाए. 7 to 8 आवर्स की आपने फुल अच्छी सी नींद लेनी है पूरे दिन में. वो 7-8 घंटे ऐसा सो कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री सो रहे हैं, कुछ भी आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं है. ओके तो बस इसी के बाद आपका काम क्या होता है कि अपने सारा दिन आप पढ़ाई करो. हर एक 1 आवर के बाद पूछो अपने आप से कि जो मैंने पूरे दिन का टारगेट सेट करा है, क्या मैं वो कर पा रही हूं, क्या वो मैं कर रहा हूं? अगर नहीं, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, अपने दोस्त यार को भूल जाइए. कोई कुछ अभी 15-20 दिन के लिए आपका कोई भी दोस्त नहीं है. आप कोई बात नहीं, जो दोस्त है गुस्सा होंगे, रूठेंगे, रूठने दो. जब आपका JRF क्लियर हो जाएगा मना लेना, है ना, नेट होने के बाद एक आधी पार्टी रख लेना, मना मन जाएंगे दोस्त. ठीक है, बट इस टाइम पे आपको ये जो सोशल मीडिया, जो बिना फालतू की फेसबुक आप खोल के बैठते हैं, इनका कोई पर्पज नहीं है इस टाइम पे. आपका सिर्फ पर्पज क्या है कि आपको क्वेश्चन आपके माइंड में सारा दिन ये चले कि हाँ मैंने ये चीज करनी, मैंने ये चीज करनी है, मैंने ये करनी है. आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ JRF चलना चाहिए. ओके ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है. नाउ देयर इज अ टाइम फॉर हिंदी. देखो अपने अब मतलब ही बन जाओ. हम हमेशा कहते हैं ना यू आर अ वेरी सेल्फिश, तो अब मैं कहूंगी अपने लिए इस टाइम पे सेल्फिश बन जाओ. जितना भी अपने लिए सेल्फिश बन जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है.
अब इस टाइम पे अपना सोचो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। क्या मैं बाहर जाके कुछ डिनर कर रही हूँ, क्या उससे मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा? वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, हमें हर चीज के लिए अपने एक रिटर्न चाहिए, है ना। खाना खा के जा रही हूँ, क्या उसके बदले में मुझे क्या चीज मिल रही है? अगर मैं यहाँ जा रही हूँ, उसके बदले मुझे क्या फायदा हो रहा है मेरे JRF में? नहीं फायदा हो रहा, मत करो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका वो एक इन्वेस्टमेंट करनी है कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे एक रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न जो आपके सालों साल चलने वाला है। तो यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आपको वो कॉमर्स वाला एक वो दिखाना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए बस। ओके चलो, मुझे लगता है कि 7th का क्वेश्चन का आंसर सभी ने जो आंसर करा है, कुछ ने बी करा है, कुछ ने सी करा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है जी, वो डेफिनेटली क्या है आपका? बी है। देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक प्लानिंग जहां पे भी वर्ड आ जाता है, तो सबसे पहले कंपनी एक डिसाइड करती है वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बेस पे बेस्ट चैनल डिसाइड करती है कि मैंने कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। कस्टमर तक पहुंचने के बाद फिर वो देखेगी कि सेल्स कितनी है, वेयर हाउस कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या देना है, मटेरियल कैसे मैनेज करना है। एट लास्ट वो उसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर देती है, जो भी इक्विपमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर बेस्ट इंफॉर्मेशन उस चीज को एप्लीकेबल कर देती है। ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात? तो यहां पे जो 7th का आंसर है वो आपका आ रहा है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देयर। इस देखो, अभी कल हमने दिवाली सेलिब्रेट करी है ना, पूरे दिवाली आपने देखा होगा कि सब दिया दिया सब जगह दिए हैं, इतनी लाइट फैली हुई थी ना। तो वहां से हमें क्या सीखा? कुछ भी नहीं। हमने क्या करा? अपना मिठाई खाई करा। तो इससे हमें क्या है कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी उसको खत्म करना है। आप एक फ्यूचर टीचर, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक सोच हजारों की लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कल को कहीं भी किसी कॉलेज में आप जा रहे हैं, PhD करने जा रहे हैं, कहीं पे भी जाओ, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज, मैं आपको उस दिन, कल हम इतनी नहीं बात कर पाए थे, आज आपके लिए यही चीज कहना चाहूंगी। ओके यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। नाउ देयर इज अ टाइम फॉर हिंदी। यहां पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट, ठीक है, ये नहीं वर्ड है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके तो 8th के लिए जो करेक्ट आंसर है सी, तो ठीक है जी, बिल्कुल सही कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी, तो वो हमारा आंसर क्या है जी? सी है, ठीक है। वेब मार्केटिंग के रिलेटेड था कि देयर आर सर्वर लॉज बने हुए ग्लोबली इस चीज को, कि वेब मार्केटिंग के लिए तो देयर इज अ प्राइवेसी पॉलिसी है, कस्टमर्स को हमेशा उस चीज पे एग्री करना पड़ता है। हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि जब आप कुछ भी कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास एक ID पासवर्ड क्रिएट करा जाता है आपकी ही प्राइवेसी के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए आंसर। Which one of the following is not a major direct selling company in India? ये आपने सारे सुने होंगे, मोदी केयर, एमवे, हिंदुस्तान, है ना, यूनिलिवर लिमिटेड, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। ओके तो यहाँ पर आप सबके जो करेक्ट आंसर है वो डी, बिल्कुल जी, ये डी ही है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं। ओके गुड, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये जो क्वेश्चन है प्रोसेस बेस्ड पे है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपने इसको अरेंज करना है, यूज कटिंग कंसेप्ट।
हर्ष आर गुप्ता प्रेफर कर लीजिए, अदरवाइज बायूज ऐप पे भी सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ओके तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, और जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 10th के लिए वो आ रहा है डी ऑप्शन। चलिए टाइम फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। तो 10th के लिए सभी का डी है क्या? सभी ने कटिंग कंसेप्ट लगाया होगा, है ना? तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आई गेस बहुत इजी क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली क्या है जी? डी है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्या है, पहले मार्केट को समझोगे, फिर उसके लिए आप कस्टमर वैल्यू ड्राइवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, फिर आप एक मार्केटिंग प्रोग्राम्स लेके आएंगे, फिर एक अपनी कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, फिर आप करेंगे लेट कस्टमर वैल्यू क्रिएशन या टू क्रिएट अ प्रॉफिट, फिर आप प्रॉफिट क्रिएट करने की बात करेंगे। ओके या बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज अ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर्स किस ऑथर ने कौन सा आइडिया दिया है वो आपको बताना है। ओके विल बिशप, डीबर्ट, डेनियल एंड रिपोर्ट, किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है? ओके तो 11th के लिए जो आपका आंसर आ रहा है वो है जी डी ऑप्शन। ओके यहाँ पे भी कटिंग कंसेप्ट लगाओ। देखो यहाँ पर साफ है कि यू हैव अ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपको यहाँ पे एक भी चीज आती है, आपका +2 आराम से है, क्योंकि उसी एक आइडिया से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये आंसर है। ओके कुछ का कहना है ए ऑप्शन, कुछ का कहना है डी ऑप्शन एंड कुछ का कहना है ए, मतलब ये क्वेश्चन आपको लर्न करने वाला है। तो देखिए जी इसका जो करेक्ट आंसर से पहले हिंदी वालों को भी टाइम दिया जा रहा है। अच्छा क्या सिर्फ आप कटिंग कंसेप्ट मैच एंड कॉलम में ही एप्लीकेबल कर रहे हैं या बाकियों में भी एप्लीकेबल करते हैं? देखो कटिंग कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैच एंड कॉलम में नहीं, हर एक कंसेप्ट में आपको एप्लीकेबल करना है। ओके ग्रेट। तो यहां पर भी 11th के लिए डेफिनेटली योर आंसर इज अ ए। प्लीज इस चीज को लर्न कर लीजिए, कटिंग कंसेप्ट करके ही करना था। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर डिजिटल एज विल बिशप, कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग डीबर्ड, डी से डायरेक्ट मार्केटिंग कर लीजिए, डैनियल से ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है जी, रिपोर्ट मार्केटिंग स्पेस इन ईयर। ओके तो इस चीज को प्लीज आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, इस सैटरडे एंड संडे आपके लिए स्पेशल सेशंस आ रहे हैं। सैटरडे जो सेशन रहेगा वो ऐप के ऊपर रहेगा 11 बजे, संडे का जो सेशन रहेगा यूट्यूब के ऊपर। ये जो हमारा सेशन रहेगा यूट्यूब वाला सेशन वो रहेगा शाम को 7 बजे। ओके तो ये जो सैटरडे को सेशन होने वाला है ऐप के ऊपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही हम करने जा रहे हैं। ओके जी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही हम करेंगे, ऑल ओवर कॉमर्स के हैं।
और यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, उस पैसेज बेस्ड पे आपको बताना है, उसी पैसेज के रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ओके, एंड संडे के सेशन के लिए मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया था कि इस जो 7 बजे सेशन आ रहा है, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है जी। और इसी संडे वाले सेशन में ही आपको मैं बताऊंगी कि जो इन कमिंग डेज में ओवरव्यू आने वाले हैं वो कब कब आने वाले हैं। तो ये जो नेक्स्ट मंडे टू लास्ट वाला वीक, नेक्स्ट वीक है, उस वीक में ओवरव्यू है, कब कब होने हैं, कौन से यूनिट के होने हैं, वो सारे आपको इस संडे वाले सेशन में मैं आपको अपना शेड्यूल शेयर कर दूंगी। ओके जी, क्लियर होगी मुझे बात। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारे सेशंस हैं अभी जितने भी आएंगे, इम्पॉर्टेंट है, ओवरव्यू आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इसी चीज को ज्यादा करना है। ग्रेट, ठीक है जी। इसको, इन सेशन को जरूर लगाना है। इनके लिंक्स जो हैं, बोथ क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इजीली मिल जाते हैं आपको। जब भी सेशन हो तो उसके कुछ मिनट पहले आपको वो लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड डायरेक्टली आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये जो सेशन है आप ही के लिए है, फ्री सेशन है, कोई चार्ज नहीं है। बस हमारा जो टारगेट है वो JRF है, कैसे मर्जी करके हमें उस JRF को क्लियर करना है। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंग्लिश, आफ्टर दैट हिंदी। बहुत अच्छी बात है, बस इसी डेडिकेशन, इसी मोटिवेशन के साथ आपने उन सेशंस को ज्वाइन करना है, राइट? ओके, पहले इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आफ्टर दैट हिंदी। ओके, यहाँ पर जो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो है जी बी। नाउ इज अ टाइम फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। ओके, तो सभी का यहाँ पे जो कहना है बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्लैंकिंग डिफेंस। ये जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन आया था फ्लैंकिंग के ऊपर। फ्लैंक्स का मतलब क्या होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है, ठीक है जी, वो वीकर एरिया उसके ऊपर अटैक करती है। तो जो भी वीकर एरिया के ऊपर मतलब अटैक करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, वो क्या बन जाता है, फ्लैंकिंग डिफेंस बन जाता है। ओके, तो इस 12th क्वेश्चन का जो सभी ने आंसर दिया है वो है जी बी, बिल्कुल सही। तो वो जो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट लीडर। देखो, मार्केट लीडर एक कंपनी जिसका बहुत ज्यादा मार्केट शेयर उसके पास है, वो एक लीडर है जिसको देख के बाकी कंपनी उसकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रही है ना। तो जब एक मार्केट लीडर ट्राई करता है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, तो दूसरी कंपनी भी कर रही है। तो एक पॉजिटिव डिफेंस, फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रीएम्प्टिव, हर एक चीज कौन करता है, मार्केट रिलेटेड ट्राई करता है, ताकि उसकी वो पोजीशन भी बनी रहे एंड सारे उसको फॉलो अप करते रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या 13th क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से। Which of the following are true about delivering customer value? Okay, और एक और चीज है कि इनकमिंग है नेक्स्ट वीक आपके लिए आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन भी आएगा, जिसमें आप कोई भी डाउट उसमें पूछ सकते हैं।
तो 13th के लिए जो आंसर आ रहा है दैट इज द डी ऑप्शन। ओके तो लेट्स सी हिंदी वाले को क्या कहना है कि हिंदी वाले क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हिंदी वाले भी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। वन एंड थ्री को एलिमिनेट करके आपका सबका आंसर आ रहा है डी। ओके तो ठीक है जी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डेफिनेटली क्या है, डी। बट यहाँ पे पायल मेहता ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। क्यों भाई? देखो ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं ना, ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी अबाउट द डिलीविंग द कस्टमर वैल्यू। कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग अ कस्टमर वैल्यू, ऑब्वियसली कंपनी मस्ट वर्क इन अ ब्रॉडर नेटवर्क पार्टनर्स टू कमिश द कस्टमर वैल्यू। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड कंपीट द इंटायर वैल्यू डिलीवर्ड नेटवर्क्स डोंट। तो ये जो ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज आपको दे रही है, ब्रांड डोंट कंपीट, ठीक है जी, द इंटायर वैल्यू डिलीवर्ड द वर्क डू। अब देखो यहाँ पे एक छोटी छोटी चीजें क्या बोले, कस्टमर वैल्यू के रिलेटेड है। कस्टमर वैल्यू क्या है कि अपनी प्रोडक्ट की वर्थ को क्रिएट करना, जो भी आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर वैल्यू आपके एक ना बेनिफिट्स को इंक्रीज करता है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन द कॉस्ट या आपके कस्टमर वैल्यू के रिलेटेड है। इसमें हम सारे पॉजिटिव चीजों को ही कंसीडर करते हैं, या ठीक है जी। तो यहां पे बस एक खेल उसी चीज का था और कुछ भी नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी किस किस कौन से क्वेश्चन पार्ट पे। ओके उनका कहना था कि जब हम एक कस्टमर वैल्यू के बारे में बात करते हैं, कस्टमर देखो यहाँ पे बोला था कि डिलीवरिंग अ कस्टमर वैल्यू के बारे में आपको बताना था। इसमें जो भी आप टोटल कस्टमर, अगर आप उसको पर्सनल बेनिफिट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, सर्विस बेनिफिट दे रहे हैं, उनको इमेज बेनिफिट दे रहे हैं, मॉनेटरी कॉस्ट दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट है, जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वह कस्टमर वैल्यू को क्रिएट कर देता है। कस्टमर वैल्यू क्या है? कस्टमर जो बेनिफिट परसीव्ड कर रहा है माइनस कर दीजिए जो भी टोटल कस्टमर कॉस्ट है, तो इससे हमारे कस्टमर की वैल्यू निकल के आ जाती है, राइट? अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि कंपनी गो अलोन क्रिएटिंग है, यस, एक कंपनी क्या अकेले कस्टमर की वैल्यू को क्रिएट कर सकती है? 100% है कि वन तो आएगा ही आएगा। ओके कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ द पार्टनर्स। क्या उसको एक अपना जो भी ब्रॉडर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा अपनी कस्टमर वैल्यू को रीच करने के लिए? डेफिनेटली थ्री भी आएगा ही है, टू भी आएगा ही आएगा, ठीक है जी। इन एक इंडिविजुअल कंपनी आपस में ब्रांड्स कंपीट कर रहे हैं, द इंटायर वैल्यू डिलीवर नेटवर्क डोंट, गलत है जी। इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड्स डोंट कंपीट, क्या देखो वो कंपीट नहीं कर रही है, दे इंटायर वैल्यू नेटवर्क्स डू नो, तब भी नहीं होगा क्योंकि एक इंडिविजुअल है, एक ब्रांड है। ये आपको इन दोनों में उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिटिल बिट उसमें चेंजेस कर दी हैं, बट इन शॉर्ट ये थ्री और फोर्थ आपका नहीं आएगा। ओके ठीक है जी। अब क्या यहां पे अब आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने जो अप्रोच यूज करी कि आंसर उसका क्या आएगा, बी आएगा। अब हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि कंपनी कैन गो अलोन या इंडिविजुअल कंपनीज, बोथ आर सेम मीनिंग। क्या इन सब के सेम मीनिंग्स है कि कंपनी अगर अकेले जा रही है या आपका क्या है इंडिविजुअल कंपनीज हैं, एक ही चीज है कि चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी की बात करें या फिर कंपनी को अलोन की बात कर रहे हैं। ओके तो हमारा जो क्वेश्चन के रिलेटेड विच इज अ फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू, तो कस्टमर वैल्यू को डिलीवर करने के लिए पहली बात तो आपका एक ब्रॉडन कंसेप्ट होना जरूरी है। ओके
अब आपके लिए जो इसका ब्रॉडन कंसेप्ट होना जरूरी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स कंपीट, नेटवर्क्स डोंट, ये चीज आपको गलत कर रहा है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कम ब्रांड डोंट कम्पीट, जब आपस में कम्पीट ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो चीज आपको इंटीग्रेटेड शो कर रहा है। ठीक है जी, इंडिविजुअल कंपनीज अगर ब्रांड आपस में कंपीट नहीं कर रही हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड चीज चल रही है। ओके, इंटीग्रेटेड चीज करेंगे तो ही आपका क्या होगा, ब्रॉडन कंसेप्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि अगर कोई भी वैल्यू क्रिएट करनी है कंट्रीब्यूशन अपॉन द कॉस्ट तो उस बेस पे वो चीज निकल के आ जाती है। यहां पर अगर ओवरऑल हमारा देखा जाए कि ट्रू स्टेटमेंट हमें 100% है कि फिफ्थ तो आएगा ही आएगा, हर एक में फिफ्थ आपको दिया गया है। फिर हमने पढ़ा कि अकेली कंपनी कस्टमर वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती, उसको हेल्पिंग चीजें भी चाहिए होती हैं। तो मतलब क्या है, सेकंड हमारा इसमें है कि ब्रॉडन कंसेप्ट है, सेकंड भी आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो फिफ्थ आपका 100% है, सेकंड आपका 100% है, उसी बेस पे आपको यहाँ पे कटिंग कंसेप्ट लगाना था। ठीक है जी, तो अब हमारा जो पॉइंट है कि इस क्वेश्चन के लिए यू हैव टू अरेंज दैट कि कस्टमर वैल्यू परसीव्ड वैल्यू, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, क्योंकि जो पहला पार्ट था कि अकेले कस्टमर क्या क्रिएट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो मतलब पहला आपका आंसर कट गया है। तो जब पहला ऑप्शन कट गया है यू हैव ओनली ऑप्शन डी फॉर योर करेक्ट आंसर। ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात। तो बच्चे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली डी है, ए नहीं है। ए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था कि जो स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन दिए है उसी को यहाँ पर डिटेल करा गया था कि व्हाई दे चूज ए ऑप्शन, एक्चुअल में योर आंसर इज अ डी ऑप्शन। ओके, चलिए, यस, देखो ऑब्वियसली ए और जो आपका फर्स्ट पॉइंट था और जो थ्री पॉइंट था आपस में सेम चीज कह रहा था ना, तो ए और थ्री तो सिंपल कटिंग कंसेप्ट में कट गया था। तो सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्टेड ओनली एट दैट पॉइंट एंड डिसअपीयर्ड व्हेन द पेशेंट डिड नॉट शो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक और चीज, 100% प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग के पक्का पूछे जाएंगे, 100% है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 14th का आप सबका जो कहना है डी ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही, कि यहाँ पे पेरिशेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। कहते हैं कुछ डॉक्टर जब मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो टाइम दिया गया उसी पॉइंट पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्या वो टाइम के बाद वो डिसअपीयर हो जाती है, वो आपको शो नहीं होगी, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा पेरिशेबिलिटी बनेगा, कि जो सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए, जो अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिस्ड हो गई तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द पीएलसी अ कंपनी रिड्यूसेस सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। तो ये पीएलसी जो है इसका ध्यान से कर लीजिएगा, सेल्स प्रॉफिट्स आपको पता होना चाहिए कि किस पे सेल ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है कुछ का सी। तो देखिए जी, करेक्ट आंसर जो डेफिनेटली हमारा वो क्या है, ग्रोथ है, कि जहां पे सेल्स प्रमोशन कंपनी रिड्यूस कर देती है टू टेक द एडवांटेज ऑफ द हैवी कंज्यूमर डिमांड। अब बच्चे यहाँ पे कंट्रोवर्सियल क्या है, हमें लगता है मैच्योरिटी, कुछ को लगता है ग्रोथ, यही चीज है, हमने यही चीज पढ़ी है ना, कि यहाँ पे कुछ का कहना है कि ये जो चीज ग्रोथ पे होती है एंड कुछ का कहना है कि ये चीज जो होती है मैच्योरिटी पे होती है, राइट। अब
सेल्स प्रमोशन कब कंपनी, यहाँ पे क्या ओवरऑल आपकी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेगी या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स प्रमोशन के बारे में बात कर रहा है। कहते हैं ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे मुझे हैवी कंज्यूमर डिमांड के लिए मैं अपनी सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर देती हूँ। ओके, तो यहां पर ये जो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अगर आप आंसर देखेंगे प्रॉपर वे में, तो वो यहाँ पे हमारा दिखाई देता है, उसका आंसर है बी। पर अगर हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हमने पूरा जो ओवरऑल एनालाइज करा है, उस बेस पे जो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, है ना? क्या आप इसी चीज से एग्री कर रहे हैं ना? तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, एक वन ऑफ द क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है। ये जो PLC हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, UGC के द्वारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको दिया गया है बी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, बट मैं आपको इसका ओवरऑल इतनी सी चीज बता देती हूं कि अगर हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, एक इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट को लॉन्च करा जाता है, सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि पीपल प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट करी जाती है एंड अक्सर यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कहते धीरे धीरे आपकी जो आती है ग्रोथ स्टेज आती है, कहते यहाँ पे सेल्स बढ़ गई है, एक परसुएसिव, आप एक ऐसी उकसाने वाली एडवर्टीजमेंट करते हैं जहां पे पहली बार में कस्टमर आपके पास आ जाए, यहाँ पे कहीं हद तक वो प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं कि ताकि वो इंटायर कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर हो तो उसको कोई डर ना रहे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपकी आती है जी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कहते सेल्स इंक्रीज तो कर रही है बट बहुत स्लो रेट पे कर रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे एक प्रमोशनल प्राइजिंग आप यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, प्रमोशनल प्राइजिंग जितनी हो सके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने हाईएस्ट ग्रोथ रेट को करना होता है। ठीक है, एंड इसी के साथ वन आपका आता है डिक्लाइन, सेल्स कम हो जाती हैं, प्रोडक्ट लूज होना शुरू हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एडवर्टीजमेंट कम हो जाती है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है इन द फ्यूचर के लिए। ओके जी, क्लियर हो गया बच्चे बात? तो या कभी कभी UGC के आंसर की में ना कुछ गलतियां आ जाती हैं, तभी हम उसके लिए चैलेंज भी करते हैं। जब आप पेपर देते हैं ना, पेपर देने के बाद एक चैलेंजिंग आपको आता है कि आप किस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ठीक है जी, तो यहां पे मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, बट मैं सिर्फ इतना पॉइंट कह रही हूं कि एक दो मतलब जब भी इसके जब से एनटी आया है तो वो एक चैलेंजिंग करता है कि किस क्वेश्चन के आप चैलेंज करें, काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए चैलेंज भी करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फिर उसके बेस पे एक रिवाइज्ड आंसर की भी आती है। मैं आपको ये भी याद करा देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मे भी पता होगा इस बेस पे रिवाइज्ड आंसर की भी आती है। ओके जी, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। या तो ये जो आपका अभी 15th आप जो कर रहे हैं, इसमें आपको अगर PLC के बारे में बताना है कि कंपनी रिड्यूस द सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज, एक्चुअल में हम जितनी भी सेल्स प्रमोशन कम करते हैं क्योंकि उसको हैवी कंज्यूमर डिमांड चाहिए होती है, द आंसर अकॉर्डिंग टू UGC हम करेंगे ग्रोथ है। ओके, चलिए तो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का कहना है कि 13th का आंसर गलत है। बच्चे 13th का क्या आंसर गलत है, कैन यू प्लीज टेल मी विकास? 13th का आंसर गलत क्यों है, क्योंकि 13th का आंसर डी है। व्हाई यू सेड इट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे तो बिल्कुल सही आंसर है, यू डी आंसर है, कटिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल करते तो पहले से ही ये आपका हो रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, जल्दी से कर दीजिए। इन अ मार्केटिंग DSA स्टैंड्स फॉर,
क्विकली। ओके तो इस क्वेश्चन का डीएसए स्टैंड्स फॉर, दैट इज द सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो यहां पर भी करेक्ट आंसर क्या है रे जी, सी ऑप्शन आ रहा है। ओके नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग। आप देखना 2018-19-20 में एनटीए ने रिवाइज आंसर की बहुत बार निकाली हुई है। हम सब ने भी बहुत बार क्वेश्चन के लिए चैलेंज करे हुए हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है, रिवाइज आए हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, कम से कम यू नो 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे जिसके लिए ऐसी चीज़ें हुई हुई हैं। ओके तो 17th का जो आंसर आ रहा है वो बी, नॉट ट्रू फॉर मास मार्केट, डील्स विद कस्टमर डायरेक्टली। नो, मास मार्केटिंग तो कहती है कि वो एक जो करती है मार्केटिंग किसी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू वो चीज की मार्केटिंग करती है, क्योंकि वाइड एरिया को कवर करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके 101% आंसर आ रहा है कि बी ही है। देखिए ये चीज आपने फिर से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेटिंग हाई प्राइस, ये क्या हो गया है, व्हाई यू चूज अ बी। देखो जब आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं आप प्राइस को ज्यादा रखते हैं, क्यों, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। पर धीरे धीरे आप जब आप ग्रोथ में आ जाते हैं तब आप उस प्राइस को कम कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्रेजुअली कि पहले जब इंट्रोड्यूस करा तब आपके प्राइस हाई है, जब आप ग्रोथ पे आते हैं तो आपके कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कीमिंग। ओके जी, योर करेक्ट आंसर जो यहां पे है वो है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान इज एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग सोशल सर्विस रिलेशनशिप। ओके तो 19th के लिए जो आप सबका आंसर आना है दैट इज अ बी ऑप्शन। ओके तो देखिए यहां पर जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली सोशल मार्केटिंग है। स्वच्छ भारत इज अंदर सोशल मार्केटिंग के अंदर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो क्या है कि सोशल मार्केटिंग का एम क्या है कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल इंप्रूव को करने के लिए, तो स्वच्छ भारत उसी चीज कैंपेन को है। तो सोशल टोटल सैनिटाइजेशन इन्वायरमेंट के लिए, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक सोशल मार्केटिंग करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है 20th का वो आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो है जी डिस्काउंट, कि जो लो प्राइस जो मेजर है कम प्राइस पे उस चीज को बेचते हैं वो है डिस्काउंट रिटेलर्स। देखो बहुत तरह के रिटेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स, वो जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं ना जिसके पास हर एक चीज होती है, आप हमेशा फटाफट जाओ आपको वो चीज़ इजीली से वो चीज़ें मिल जाती हैं।
लिमिटेड लाइन रिटेलर की सिंगल लाइन रिटेलर्स, कि उसका जो रिटेलर सिर्फ वन ही लाइन है जो सारे तरह के प्रोडक्ट्स वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिटेलर लो प्राइस बेस्ड है, तो उसको हम एक डिस्काउंट रिटेलर के नाम से ही जानेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिटेलर मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। जितने भी रिटेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइप्स इनके हैं, वो प्लीज इस चीज को लर्न जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए जल्दी से लास्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्विकली। टेलीमार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, बहुत इजी है, जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। वायरल सोशल डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके। तो यहां पर आप सबका कहना है सी ऑप्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, टेली मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ यू डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो, टेली मार्केटिंग एक डायरेक्ट मार्केटिंग ही है, जहां पे गुड्स एंड सर्विस करा जाता है ओवर द टेलीफोन। डायरेक्टली यू कैन कॉल, कॉल करिए और अपना ऑर्डर आ जाता है, ठीक है जी। टेली मार्केटिंग एक प्रोस्पेक्टिव बाय को फॉलोअप करने के लिए चीज करी जाती है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए आंसर, इसके बाद अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। ये आपको बहुत ध्यान से बताना है कि किसके बारे में यहां बात करी जा रही है। ओके, आप सबको लगा कि 20 क्वेश्चंस हो गए, सेशन एंड है? नहीं जी, आज मैं 22 क्वेश्चंस लेके आई थी। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है वो 100% क्या है जी, बी है। आफ्टर द कंसेप्ट टेस्टिंग, अ फर्म वुड एंगेज इन विच द फॉलोइंग स्टेट, डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड न्यू पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। जहां पे एक नया प्रोडक्ट की डेवलपिंग के बारे में बात करी जा रही है कि मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट वो आपकी बन जाती है, ठीक है जी। टेस्ट मार्केटिंग तो नहीं होगा ना, अभी टेस्ट मार्केटिंग नहीं होगा, बिजनेस एनालिसिस भी आपका पार्ट नहीं है। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर द स्टेजेस ऑफ द टेस्टिंग द प्रोडक्ट, इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं। ओके जी, सो दिस इज द होल अबाउट द टुडे सेशन। आज आपकी काफी हद तक परफॉर्मेंस अच्छी है, बट उम्मीद करती हूँ कि जो नेक्स्ट सेशंस आपके आएंगे उसमें आप इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आप जरूर देंगे। एंड 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 या तो जितने जो भी का कंफ्यूजन, आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी कंफ्यूजन है टेलीग्राम पे, जस्ट मुझे मैसेज करिए अपना जो भी स्क्रीनशॉट लेके, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर किसी ने 22 में से 20 स्कोर करे हैं, तो अपने आप से बस एक बार पूछ लेना कि आपने खुद से वो आंसर करे या किसी के पीछे लग के तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करा है। एंड या ठीक है जी, अब हम मिल रहे हैं कल को 11 बजे ऐप के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ओके जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।